बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यह स्पेसिमेन मेरे हाथ में टेप वर्म का है। दिस इज टेप वर्म फीता क्रीमी। इसको फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस में रखा गया है। प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेलमिंथ मीन्स वर्म। यह इसको फ्लैट वर्म या फीता क्रीमी कहते हैं। यह डाइजेनेटिक है। इसका जीवन चक्र दो होस्ट में पूरा होता है। इसका मेन होस्ट है ह्यूमन बीइंग और दूसरा है पिग। तो पिग से ह्यूमन में कैसे पहुंचता है? अगर किसी व्यक्ति में यह टेपवर्म है, उसके एलिमेंट्री कैनाल में पूरा फीते की तरह पूरे एलिमेंट्री कैनाल में फैला रहेगा और ये अपनी सतह से डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को, जो कुछ भी इंसान खाता है, डाइजेस्ट करता है, उसके ब्लड में जा कर के फिर उसके पूरे बॉडी टिश्यू में जाके एनर्जी देगा और ग्रोथ में भाग लेगा। लेकिन अगर यह टेपवर्म एलिमेंट्री कैनाल में है तो यह निश्चित रूप से मैक्सिमम डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को खुद एब्जर्व कर लेता है और उस व्यक्ति को कमज़ोर कर देता है और उसे टीनिएसिस हो जाता है, एक प्रकार की एनीमिया हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें तो बहुत सारे एंजाइम है जो प्रोटीन को पचा लेते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं पच पाता? तो यह जो है क्यूटकिल के एक कवर से घिरा होता है। इसके बॉडी के ऊपर क्यूटकिल का कवर होता है जो एंजाइम प्रूफ होता है, जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और एलिमेंट्री कैनाल में पड़ा रहता है। और उसके आप देख रहे हैं ये सेगमेंट है ना, हर एक सेगमेंट में मेल और फीमेल टेस्टिस और ओवरी होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं। जब ये मैच्योर होता है उसके हर सेगमेंट में टेस्टिस से स्पर्म, ओवरी से ओवम निकला, दोनों फ्यूज हुए, जायगोट बना और जायगोट बनने के साथ वो प्रोग्लॉटिड वो सेगमेंट टूट करके फीकल मैटर के साथ क्या होगा, फिर जमीन में आ गए। तो निश्चित रूप से लोग जहाँ बाहर में डिफिकेशन करते हैं तो वहाँ फीकल मैटर त्याग दिया और पिग बाई नेचर वो टहलते घूमते आएंगे और फीकल मैटर को खाते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा को। तो ये फर्टिलाइज्ड एग्स अगर उसके स्टमक में गया, वहाँ हैज्ड आउट होकर के फिर मसल को पेंट्रेट करके वहाँ करके ब्लड सर्कुलेशन से ब्लैडर वर्म लार्वा के रूप में उसके मसल्स में कहीं भी टिश्यू में सेट हो जाएगा, वहाँ पे स्थित हो जाएगा। और बाय द चांस अगर उस पिक को, उसके पीस को, पिक पर को किसी ने बिना प्रॉपरली कुक किए, अच्छा से बिना कुक किए उसको खाया, तो ब्लैडर वर्म लार्वा भी लिविंग है और जो इंसान उस पीस को खाएगा पिक के मांस के और उसमें लार्वा है तो वो उसके स्टमक में आएगा, फिर वहाँ से जो है अब वो ग्रो कर करके एलिमेंट्री कैनाल में पूरा फैल जाता है। इतना बड़ा, काफ़ी लंबा, ये तो अभी टूटा हुआ हिस्सा है, काफ़ी लंबा पूरी एलिमेंट्री कैनाल में फैल जाएगा और फिर वहाँ से खुराक लेगा और व्यक्ति को कमज़ोर बना देगा। तो यह डाइजेनेटिक है क्योंकि इसका जीवन चक्र इंसान में, ह्यूमन बीइंग में और फिर पिग में पूरा होता है। तो इस तरह से यह हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन इसे बचा जा सकता है। जो पिग का मांस नहीं खाते उनको नहीं होगा, या फिर जो खाते भी हों वो प्रॉपरली कुक कर लिया हो, अच्छा से पका दिया हो, तो आने का चांस नहीं होगा भोजन के साथ, तो इसे बचा जा सकता है। और यह टीनिया सोलियम डाइजेनेटिक है। कई दफ़े ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई कम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जीके के रूप में भी पूछा जाता है जनरल साइंस में, और ख़ासतौर से जो बच्चे नाइन में है, एलेवन में है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें भी इसको पूछा जाता है, और ये पैरासिटिक एडाप्टेशन भी इसका पूछा जाता है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।